तीसरी स्टेज है जैसे कहते हैं बाबा बीज है और उस बीज से सारे वृक्ष को शक्तियां मिलती है, सन ओशन और सीड। ऐसी सीड की स्थिति, बीज की स्थिति जिसमें सब कुछ मर्ज है, समाया हुआ है, बीज के अंदर वृक्ष कितना भी बड़ा है बीज बहुत छोटा है, बीज से पता नहीं चलता इसमें से कितना बड़ा वृक्ष पैदा होने वाला है। सब कुछ उसके अंदर सार एसेंस शक्तियां सब कुछ भरी हुई है लेकिन कोई चिंतन नहीं है। ऐसी बीज की स्थिति तो संस्कार चेंज हो जाएगा। हम सब अपने संस्कारों पर बहुत कड़ा पहरा देते हैं, महसूस करें। ब्राह्मण जीवन में जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, हो सकता है हमने ऊपरी पांचों विकारों के बाह्य रूप को जान भी लिया हो, लेकिन उसके जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं वो बहुत हैरान करते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव, बहुत सारे बदले कहां कहां बुद्धि फंसी हुई है, झटकी हुई है, बैठते योग में फट से उधर खींच जाते। कहेंगे योगी ने लगता है क्या करूं, बहुत मेहनत करता हूं, योग में मजा नहीं। कारण अपनी रस्सियों को काटा नहीं है, कहीं ना कहीं वो रस्सियां जुटी हुई है। सचमुच अगर हम इस स्थिति में स्थित हो जाए तो सब रस्सियां अपने आप कट जाएंगी। इसके लिए मैं आपको कई अभ्यास सुना देता हूँ। नंबर वन सुनना, दो स्थितियां हमारी बहुत आवश्यक है, एक है ब्रेक लगाने की और एक है मोड़ने की। हमारे संकल्प बह रहे हैं, जा रहे हैं, ब्रेक नहीं लगती, इसने मुझे ऐसा कह दिया संकल्प चलना शुरू हो गए और ऐसे बह रहे जैसे हवा की तरह चल रहे हैं, रुकते ही है। कभी कभी तो रात रात भर नींद नहीं आती, लोग परेशान हो जाते हैं। कंट्रोल की पावर, रूलिंग पावर, संकल्प आए, बात आई, पूरी हो गई, उसका चिंतन करते 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 रात बीत गई, माथा खराब हो गया, सिर दर्द हो गया, टेंशन हो गया, योग क्या करोगे। अगर सचमुच यथार्थ योगी है, संकल्पों को कंट्रोल करने की एक बहुत सुंदर ब्रेक अपने पास है। कौन से ब्रेक है? नथिंग न्यू। ड्रामा कल्याणकारी है और इस कल्याणकारी ड्रामा में जो सीन जैसी चल रही है उसमें बिल्कुल कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है, हर सीन एक्यूरेट। अब इस बात पर अगर चिंतन किया किसी ने तो ब्रेक लगेगी, ब्रेक नहीं लगेगी, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, फिर खुद भी अपना टाइम वेस्ट करेंगे और दूसरे को भी वो सुना सुना करके उसका भी टाइम ले लेंगे। अगर सचमुच बीज रूप स्टेज का अनुभव करना है तो आपने मन पर पूर्ण लगाम, ब्रेक जो है बहुत अच्छा चल रहा है, ड्रामा बहुत एक्यूरेट बना हुआ है। इसका डायरेक्टर कौन है, इसका प्रिंसिपल एक्टर कौन है, अगर मैं उसमें कोई दोष निकाल रहा हूँ तो उसका अपमान कर रहा हूँ। चिंतन करना इस बात पर, निश्चाप करना चाहिए, सब निर्दोष है, कोई का ड्रामा में दोष नहीं है। मन ब्रेक लग जाएगी मन पर, तो एक चाहिए पावरफुल ब्रेक और दूसरा चाहिए मोड़ने की शक्ति। अगर कोई ब्रेक लगा के गाड़ी खड़ी कर दे मंजिल पर पहुंचे, अगर मंजिल पर पहुंचना है जहां जा रहे हैं उसे प्राप्त करना है तो हमें ब्रेक के साथ साथ अपने हैंडल को बहुत मोल्ड वाला हल्का रखना पड़ेगा, टाइट नहीं। अपने संकल्पों को मोड़ो, आ रहे हैं संकल्प लेकिन उसको मोड़ दिया, चलो ठीक है ये ब्रेक लगाए, ये संकल्प दोबारा नहीं रिपीट होने देंगे,
फिर से नए अच्छे अच्छे संकल्प क्रिएट करो। बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया है अपना चिंतन, उस संकल्प को चेंज कर दो। तो जो दो शक्तियाँ जिसके पास है, और एक पावरफुल है दूसरा मोड़ने की शक्ति है, वो सहज बीज रूप की ज्वालामुखी रूप की प्रैक्टिस कर सकते हैं।